राम सुग्रीव वार्तालाप। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहाँ रहता है। वानर राज, धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीचे कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूँ, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूँ, तो आप तो नर हैं, महात्मा हैं, सुशिक्षित हैं, आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट वाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, वाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मुनि, वाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। वाली अत्यंत बलवान है। उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दंडभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भर कर झकझोरता है, तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली को मार सकेंगे। यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके वाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल वाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टनकार करते हुए एक साथ 7-7 वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभो, वाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर दें।